वालेकुम। तो आज हम जिस मोबाइल की अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं वो हमारे पास है रियलमी 3। तो जल्दी से हम इसके स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। तो ये जो हमारे पास मोबाइल है ये डायनेमिक ब्लैक कलर में हमारे पास आ रहा है और ये हमारे पास 4GB 64GB वेरियंट है, मतलब कि 4GB रैम और 64GB इसकी इंटरनल मेमोरी है, ठीक है। तो ये एक टिपिकल रियलमी का बॉक्स है। तो जल्दी से इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। और जैसे हम लीड को ऊपर उठाते हैं तो हमें सबसे मिल जाता है क्विक गाइड, जिसमें हमारे पास मिल जाता है हमारा सिम इजेक्टिव टूल। उसके अलावा हमें मिल जाती है कुछ बेसिक पेपर गाइड जो कि हमें मोबाइल फ़ोन के बारे में बताती है, जो कि हम मोस्टली यूजर्स नहीं पढ़ते। उसके बाद एक हमारे पास सिलिकन केस मिल जाता है जो कि एक नॉर्मल क्वालिटी का सिलिकन केस है। उसके नीचे हमारे पास रखा हुआ है हमारा मोबाइल। तो जल्दी से इसके आउट ऑफ द बॉक्स दूसरी चीज़ें देख सकते हैं। उसके बाद हमें मिल जाती है एक पावर ब्रिक। ये पावर ब्रिक बेसिकली एक फास्ट चार्जिंग वाली पावर ब्रिक तो नहीं है, लेकिन एक टिपिकल पावर ब्रिक है रियलमी की जो कि आपको फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड नहीं करती, ठीक है। उसके साथ हमें मिल जाती है माइक्रो यूएसबी की केबल और इस बॉक्स में हमारे पास हैंड फ्रीज नहीं मिलती। तो ये था आपको इसकी क्विक अनबॉक्सिंग। चले अब हम मोबाइल की तरफ चलते हैं। तो जैसे ही हम मोबाइल को ओपन करते हैं तो ये हमारे पास इसका मोबाइल है और ये हम इसको जल्दी से बूट अप कर लेते हैं। तो ये हमारे पास ब्लैक कलर और पर्पल कलर में आता है, हालांकि इसका नाम डायनेमिक ब्लैक है। और ये हमारे पास फिंगरप्रिंट स्कैनर है, ये इसका डुअल कैमरा, साथ में एलईडी फ्लैश। और राइट साइड पे हमारे पास पावर की है, ऊपर फ्रंट साइड पे कुछ भी नहीं है, फ्रंट साइड फ्लैट है। इस साइड में हमारे पास एक सिम इजेक्टिव टूल है, इसको मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। और ये हमारे पास एक फुल फ्लैज सिम स्लॉट है जिसमें हम दो सिम्स और एक मेमोरी कार्ड एट टाइम यूज़ कर सकते हैं। इसके ठीक नीचे हमारे पास वॉल्यूम रॉकर हैं इस मोबाइल के। और अगर इस मोबाइल के हम नीचे वाली साइड चेक करते हैं तो हमारे पास बहुत ही काफ़ी ग्लॉसी शाइन है इसकी बैक साइड तो। और ये लेकिन प्लास्टिक बिल्ड में आता है। और इसकी बैक साइड की बात करें तो हेडफोन जैक, माइक्रो यूएसबी का यूएसबी पोर्ट और हमारे पास मिल जाते हैं स्पीकर ग्रिल्स। अब अगर इस मोबाइल के हम इंटरनल्स की बात कर रहे हैं तो ये मोबाइल एंड्रॉयड का जो न्यू वर्जन है 9.5 उस पर आता है। और इसके अलावा इसका जो ओएस है वो हमारे ओप्पो के ओएस के ओएस तरह का है, ठीक है, जो हम ओप्पो के ओएस यूज़ करते हैं, मतलब कि कलर ओएस, ठीक है। और कलर ओएस 6 है इसके अंदर, ठीक है। अब हम इसकी सेटिंग्स में जाके देख सकते हैं। तो एक चीज़ आप गौर करें तो ये हमारे पास एक ड्यू ड्रॉप नॉच या जिसे वाटर ड्रॉप नॉच भी कहते हैं उससे, वो नॉच के साथ हमारे पास ये मोबाइल आता है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसकी सारी स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं। इसका जो एंड्रॉयड वर्जन है वो 9.5 है। और उसके अलावा ये थोड़ी सी आपको गूगल के जो स्ट्रॉग एंड्रॉयड है उसकी तरह की फील देता है, ठीक है। इसके जो मेन्यू स्लाइडर है वो उस तरह का है। कैमरास की अगर बात कर लें तो ये इसके बहुत ही अच्छा कैमरास हैं। ये मैं आपको एक क्विक पिक्चर लेके दिखा देता हूँ इस मोबाइल की। और ये थोड़ी सी एक क्रोमा बूस्टर के टाइप की से ना थोड़ा सा डिले लेता है और फिर ये पिक्चर को क्लिक करता है, लेकिन इसकी जो ओवरऑल क्वालिटी है वो बहुत ज़बरदस्त है। और इसमें हमारे पास बहुत डिफरेंट तरह के काफ़ी ज़्यादा मोड्स मिल जाते हैं, लाइक नाइट टाइम्स लैप स्लो मो और भी, और पोर्ट्रेट मोड इसमें अवेलेबल है। उसकी भी क्वालिटी को हम टेस्ट आउट अभी कर लेते हैं। एक ये मैं सैम्पल शॉट लेता हूँ। और ये पोर्ट्रेट मोड, इसका जो बैकग्राउंड ब्लर है वो बहुत ही लेवल क्वालिटी है, जिससे कि ये प्राइस रेंज में आता है उससे ये बहुत ही कमाल की हमें पोर्ट्रेट प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद अगर इसकी फ्रंट साइड की बात करें तो उसमें भी हमारे पास एक कैमरा है जिसमें हमें पोर्ट्रेट्स मिल जाते हैं, ठीक है। और अगर ओवरऑल मोबाइल की बात की जाए तो ये बहुत ही सॉलिड डिवाइस है अपने प्राइस रेंज में, ठीक है। और फिंगरप्रिंट्स भी इसके काफ़ी
अच्छे फिंगरप्रिंट्स हैं। और मैं आपको ये एंड पे इसकी तकरीबन कंक्लूजन करते हुए इसकी और ये मैं आपको कैमरा सैंपल्स दिखा रहा हूँ इस मोबाइल के, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमने फ्रंट और बैक कैमरा से डिफरेंट तरह की पिक्चर्स क्लिक की हैं, जिसमें आपको पोर्ट्रेट शॉट्स दोनों मतलब फ्रंट और बैक में भी मिल जाते हैं, वो आप चेक कर सकते हैं इस मोबाइल के। और और अब ये जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये आप वीडियो देख सकते हैं कि ये रियलमी 3 के बैक कैमरा से ये वीडियो रिकॉर्डेड है। तो और एक स्लो मो फीचर इस मोबाइल का है, उससे भी मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की है, तो आप वो भी देख सकते हैं। ओवर एंड ऑल ये मोबाइल एक बहुत अच्छी डिवाइस है। ये थी इसकी क्विक अनबॉक्सिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।